सत श्री अकाल जी, मेरा नाम धीरज कुमार है ते मैं आ रहा 18 जनवरी नूं फिल्म काका जी तुहाडे लई लै के। सो सारे जने तैयार हो जाओ। एक्टिंग दी जर्नी मेरी वैसे तो बचपन तो ही शुरू हो जाती है, जदों असी नकली साडा ढिड दर्द करदा असी स्कूल नहीं जाना चाहते तो असी कहने कि साडा मां नूं कहने कि साडा ढिड दर्द हो रहा, एक्टिंग तो उत्थे ही शुरू हो जाती। पर एक समझ वाली जिहड़ी हैगी उह 2011 तो मैं जदों पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर च एडमिशन ली तो एक टैक्नीकल प्रोसैस दे विच मैं 2011 तो आया। 2011 तो पहला मैं इस फील्ड का नहीं सी ते मैं ऑडियंस नूं कहिंदा कि जे मैं एक्टर बन सकदा तां दुनिया का हर बंदा एक्टर बन सकदा है, चाहे वह सब्जी वेच रहा है चाहे वह किते कम कर रहा है, क्योंकि एक प्रोसैस है हर बंदा कर सकता। हाँ जी, मेरी डिपार्टमेंट च एडमिशन हुई जी इंडियन थिएटर है डिपार्टमेंट विच मैनूं इह मिलिया। उस तों बाद असीं करदे आं। सत्श्री अकाल जी। सत्श्री अकाल। मेरा पिंड तो वैसे अमलो हिम्मतगढ़ छन्ना, नाम मेरा जगजीत संधू है, मोस्टली मैनू भोला कहिंदे आ, पर इस फिल्म तो बाहर गार्ड भी कह सकते हैं, कई नाम ने मेरे। मैं चाहता तुम साडा प्ले देखो जरूर छेती जो चंडीगढ़ च होगा तुम सब पता लग जाना बी हूँ कि है इन्नी बंद मैं भी 8-10 साल किया थिएटर तो हर बंद का एक फोटो हूँ मैं इस तरह के करैक्टर कर सकता चंगी तरह कर तो हर बंदा हर चीज सकता बट कोई एक फोटो है पूछेंगे। मैनू लगता कि मैं इदा का बनना चाहना कि मैं हर तरह का करैक्टर कर जाऊं। तुसी केड़ा सौखे कर लैंदे जिदा मतलब मैं हर चीज़ सौखी कर लैंदा। हर चीज़ सौखी कर लैंदे। हाँ वो गल वक्री है फिल्म अपने आप। हाँ फिल्मां च अजे साडी जी कॉमेडी बाकी आया पर मैनू लगता मैं हर चीज़ वधिया कर लैंदा। मैं नैगेटिव शेड करना चाहना। हाँ मतलब मैं अजे तक नैगेटिव नहीं किया हो तो मैं चाहना कि मैं नैगेटिव शेड से मैं कदे देखा नहीं पर मैं बहुत सारे जिहड़े डार्क नाइट जोकर जो एथलीज तो मैं बहुत सारिया फिल्मां देखता नैगेटिव शेड मैनू बहुत पसंद आते हैं तो मैं ऐ लगता कि कोई डायरेक्टर मैनू नैगेटिव शेड लई लै सकदा और मैं कर सकदा। हाँ हाँ जोकर हाँ क्योंकि जो नैगेटिव मैं KGF देखी तो मैं वो विलन सारे मैं बहुत अच्छे लगे। सुबह छेती नैटफ्लिक्स की सीरीज मिलेगी देखने का नाम है लैला। 2019 तक लास्ट तक आ सकती है। बाकी हौली हौली होर भी सप निकल गए जी। अगली फिल्म है जी DSP देव है ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ। ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰੋਂ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫਟਾਫਟ ਜਾਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਲਿਆ ਕਰੂੰ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਫਰੀ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹ। ਬੜੀ ਫਨੀ ਜੀ ਕਾਇੰਡ
नहीं खिंचदी तो नहीं, ये तुम ब्यूटी देखोगे इस फिल्म की, ये करैक्टर बहुत ने जिन्हें एक अपनी दुनिया। अच्छा। मोस्टली की होंगे कि हीरो हीरोइन ही होंगे हर फिल्म च, है ना, पर हर करैक्टर की एक अपनी दुनिया, ओदी एक अपनी लाइफ आ, मतलब ओदा ऐ नहीं भी ओदे नाल स्टोरी अगे चलती है जे वो ना हो। मेरे करैक्टर का नाम रणधीर मास्टर, ओदी अलग दुनिया, ये गाने पढ़ता मैं गाने सुनता, तो वह अलग रहिंदा किसी नाल ओदा कोई कनैक्शन नहीं, पर जो इनवॉल्व होंदा स्टोरी दे विच तां ओह किवें स्टोरी चेंज होंदी ओह तुसीं फिल्म देखोगे, क्योंकि थोड़ा जिहा सस्पेंस वाला करैक्टर है जी, बाकी तुसीं फिल्म देखोगे तुहानूं अच्छा लगेगा।